नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में कर्नल संतोष ने शहादत अपने नाम कर ली, जान दे दी, लेकिन आतंकियों को टस से मस होने नहीं दिया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन के नाम पर एक फौजी ने जिंदगी की परवाह नहीं की, सीने पर गोलियां खाकर देश की हिफाजत की शपथ पूरी की। आतंकियों के सामने एक लम्हे के लिए भी न वो डिगा न हटा, सिर्फ और सिर्फ देश के नाम पर मिटा। तुझे सलाम है कर्नल संतोष महादिक, देश तुम्हें कभी नहीं भूल सकेगा। कुपवाड़ा के कर्नल महादिक की शहादत की खबर जैसे ही उनके घर तक पहुंची, लोगों की आंखों से आंसू हर बांध तोड़कर बह निकले। जिस्म को जमा देने वाली बर्फ के बीच कर्नल संतोष ने उन आतंकियों का सफाया किया था जो उनके, हमारे, आपके मुल्क की पाक सरजमी पर साजिश का परवाना लेकर आ घुसे थे। शोक की पहली खबर ने हर किसी को बेचैन तो कर दिया, लेकिन शहीदों के परिवार भी फौलादी जिगर रखते हैं। आंसुओं और दिल के बीच रस्सा कशी चलती रही, लेकिन गम भूलकर इस शहादत पर फख्र करने भी हमारी रवायत है। मुझे संतोष पे गर्व है, क्यों? वो मेरा सिर्फ दामाद नहीं था, वो मेरे लिए तो भगवान से बढ़कर था। कर्नल संतोष महादिक महाराष्ट्र में सतारा के पोगरवाड़ी गांव के रहने वाले थे। बचपन और जवानी इन्हीं गलियों में कटी, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा संतोष महादिक को फौज की तरफ खींच ले गया। एक बार सीने पर फौजी वर्दी सजी तो संतोष ने मुल्क की हिफाजत को जीवन का परम धर्म बना लिया। आज वो परिवार के बीच नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने खुद से किया वादा पूरा किया। जीवन तो देश के नाम लुटाने का नाम है। घर पर जुबान खामोश है, लेकिन दिल में यादों की हिलोरें उठ रही हैं। वो फौज में ऑफिसर कैसा था वो तो फौजी जाने, मगर बतौर इंसान वो बहुत बढ़िया चीज थी। ये तो मैं कहूँगा कि ऐसे इंसान भगवान पता नहीं सदियों में भेजते हैं। सेना ने अपने सपूत को पूरी आन बान शान के साथ अंतिम सफर पर विदा किया। सलामी देकर फौज ने उस परंपरा का निर्वहन किया जहां एक सैनिक मौत के बीच अपनी बहादुर गाथा के साथ उनके दिलों में जिंदा रहता है। सेना ने अपने जाबाज योद्धा को खो दिया तो सतारा में उनके गांव में चूल्हा नहीं चला। आज यादों में बस कर्नल की कहानियां कौंद रही हैं। यह सैनिक स्कूल में पढ़ा लिखा है, सैनिक स्कूल से निकलने के बाद एनडीए में प्रवेश नहीं हो पाया तो उसने जिद बनाई थी कि मैं किसी भी हालत में सैन्य में ही जाऊंगा। जब वो सैनिक स्कूल में था तभी से वो बोल रहा था नहीं मैं जाऊंगा तो आर्मी में आ जाए ऑफिसर ही बन के जाऊंगा और देश सेवा करने का मेरा इरादा है और मैं ये करके रहूंगा, करके दिखाऊंगा और बहुत बड़ा ऑफिसर बन के मैं अपना नाम रोशन करूंगा। कि हमारे गांव के या हमारे एरिया के कोई भी स्टूडेंट्स अगर उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते थे तो किसी भी प्रकार की सहायता में वो कभी भी पीछे नहीं रहते थे। कर्नल की गिनती बहादुर अफसरों में होती थी। 2003 में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन राइनो में गजब की जाबाजी दिखाई थी और सेना मेडल जीता था। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ उन्होंने अपनी बहादुरी की परंपरा को कायम रखा। आतंकियों का सफाया हुआ, जंगलों से लेकर जमीन और बर्फ तक में कर्नल ने दहशतगर्दों को सबक सिखाया और देश को भी बताया कि बहादुरी क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। गोलियों से बिंधे कर्नल के शरीर को कुपवाड़ा से श्रीनगर तो लाया गया, लेकिन गोलियां इतनी ज्यादा लगी थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज पूरा देश उनकी शहादत का सम्मान कर रहा है, शहादत को सलाम कर रहा है। अशरफ वानी के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।